अगर आप गूगल में कुछ टाइप करें तो आपको आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं गूगल आपको नीचे कुछ रिलेटेड क्वेरीज दिखाना शुरू कर देता है असल में वो सजेस्ट कीवर्ड्स वर्ड्स बोलते हैं जो ये सजेशन बेसिकली गूगल जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन कि आप जैसे बाकी लोग इस क्वेरी को कैसे लिख रहे हैं तो ये क्वेरीज जो हैं बेसिकली हमें ये इंडिकेशन देती हैं कि जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो किस तरह से बाकी लोग भी इसको पॉपुलर क्वेरीज़ किया हैं और गूगल ट्राई करता है कि अगर आपके भी उसी से रिलेटेड क्यूरी है तो आप वही सिलेक्ट करेंगे आपको पूरी फ्रेज लिखनी नहीं पड़ेगी और आपको क्लिक करने से सर्च हो जाएगा अब ये एक और गोल्ड माइन है इस तरह से कि लोग इसको समझ नहीं समझते कि ये भी कीवर्ड्स की शक्ल में हमें एक डेटा गूगल प्रोवाइड करता है कि बजाय इसके कि हम गूगल पे जाके कीवर्ड रिसर्च करें ये वो डेटा है जो गूगल समझता है कि लोग शायद लिखेंगे ये वो सजेस्ट कीवर्ड्स हैं कि लोग जो है ना आ, उस पर लिखते हैं रेगुलरली और आप टाइप करते हैं सो आपने इनको भी नोट करना होता है इनको भी आप लिस्ट डाउन कर लें अपनी क्वेरी लिखें अपने कीवर्ड से रिलेटेड डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या करता है आप देखें कि आपका यूज़र क्या सर्च करेगा वो सर्च करने ख़ुद बैठ जाएं और देखें कि गूगल उनको क्या सजेशन देता है कि भाई आप व जो सजेशन हैं उनको यूज़र को कैसे नज़र आ रही हैं और आपको कैसे नज़र आ रही हैं अगर उन सजेशन के अगेंस्ट भी आप कॉन्टेंट क्रिएट करें और उन कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट पर डालें तो अगर कोई बंदा वो सजेशन एक्सेप्ट करके उसमें कोई सर्च करता है तो क्या होगा कि वो कीवर्ड आपने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ किया होगा और वो आपकी वेबसाइट से रिजल्ट आएगा मैं आपको एक छोटा सा लाइव लाइव डैमो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फीचर काम करता है बाकी आपने अपने बिज़नेस के अपने क्लाइंट के बिज़नेस के मुताबिक इसको देखना है कि किस तरह से ये आपके एस uh, के प्रोजेक्ट में रेलिवेंट है और किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट इन कीवर्ड्स को निकालना है आइए देखते हैं जब आप गूगल डॉट कॉम पर जाएँ तो आप सर्च इंजन आपको नज़र आएगा और सर्च इंजन में आप कुछ भी लिखना शुरू करें मैं फॉर मैं एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन की ही एग्जाम्पल लूँगा जैसे ही देखेंगे आप मैंने मोबाइल मोबिल ही लिखा अभी ई भी नहीं लिखा तो नीचे गूगल ने मोबाइल मोबलिंग मोबिलिंग इंटरनेट पैकेजेज वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें उससे मुझे शो कर दी हैं अब इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये वो रेगुलर सर्चिज हैं जो लोग इस तरह के की लिखते हैं लेकिन मैंने तो कुछ और सर्च करना था क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन मोबाइल पूरा लिखूँगा और फ़ोन लिखने की कोशिश करूँगा तो देखें जैसे जैसे मैं पी लिखा तो उसने प्राइस और फ़ोन और प्राइसेस इन पाकिस्तान ये सब चीज़ें एसोसिएशन दिखा दी मैंने एच लिखा तो वो उसने फ़ोन की प्राइसेस और फ़ोन के और सब फ़ोन फोन पी एच वाली चीज़ें आ गई हैं और फोटो भी दिखा रहा है फेस भी दिखा रहा है अब गूगल को नहीं आइडिया कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ तो मैं अगर फ़ोन ओ लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि वो ए वाले ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद एन लिखता हूँ तो बिल्कुल फ़ोन जैसी स्पेसिफ़िक क्योरीज आना शुरू हो गई हैं और ई लिखा तो मतलब फ़ोन पूरा ही आ गया अब आगे मैं प्राइस लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ प्राइस से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हैं प्राइसिज इन चाइना प्राइसिज इन कैनेडा इंडिया कराची यू के और सैमसंग प्राइस सब चीज़ें ये चलती चली जा रही हैं आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड को टाइप करना है जैसे लोग सर्च करेंगे और आपने यहाँ देखना है कि आपसे रिलेटेड सर्चेज में वो क्या क्या आ रहा है जो गूगल को लगता है कि वो बेहतर सर्च रिजल्ट है इसका रिकॉर्ड बना लें इसको अपने कीवर्ड सर्टी में ऐड कर लें और ये जब आप ऐड कर लेंगे तो आप ये भी एक कीवर्ड टाइप है जिससे आपको क्वालीफाइड डेटा मिलता है क्योंकि गूगल खुद आपको सजेस्ट कि आपके कीवर्ड जो आप लिखना चाह रहे हैं इस क्वेरी को लोग कैसे सर्च करेंगे जैसे कि आपने देखा कि हमने सजेशन्स गूगल की जो फॉलो की हैं उसमें जैसे जैसे आप टाइप करते हैं तो उसमें नीचे गूगल जो आपको सजेशन दिखाता रहता है उन सजेशन्स को अगर आप एज ए की लेंगे और आप अपनी क्वेरी के अगेंस्ट आप उसको कीवर्ड लिख कर उनको मज़ीद रिसर्च करके मजीद की वर्ड सर्च कर सकते हैं या उनको अपने कीवर्ड या अपने पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्जैक्टली वही क्वेरीज़ हैं जो गूगल गूगल को लगता है कि लोग सर्च करेंगे अगर वो लिखना शुरू करेंगे जैसे आपको वो सजेशनस दिखा रहा है वो वैसे लोगों को भी सजेशन्स दिखाता है और उन सजेशनस के अगेंस्ट लोग अगर क्लिक करना शुरू कर दें तो किसी को पूरा टाइप नहीं करना पड़ता ये वो कन्वीनियंस है जो गूगल अपने यूज़र्स को देना चाह रहा है लेकिन अगेन ये एक हमारे लिए डेटा गोल्ड माइन भी है अगर हम इसको भी डेटा यूज़ करके अपनी ए में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी एस सी कदर बेहतर हो सकती है